Audio Jungle. तो दोस्तों एंड्रॉइड मोडिंग कस्टमाइजेशन और अपडेटिंग टिप्स ट्रिक के लिए इस चैनल से जुड़े रहें और लेटेस्ट जानकारी पाते रहें। हे व्हाट्सअप गाइस, संडोला हियर अगेन। तो दोस्तों आज जो इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अपने डिवाइस में आईफोन एक्स का फीचर कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों शायद आपको पता होगा कि आईफोन 10X के फीचर में जो है, यहाँ पे आईफोन 10 के फीचर में यहाँ पे वो उसका डिस्प्ले जो है यहाँ पे कुछ ब्लॉक्स यहाँ पे रहता है, तो वो जो है अपने किसी भी एंड्रॉयड फोन में कैसे इनेबल कर सकते हैं वो मैं बताने वाला हूँ। और वही नहीं, यहाँ पे नोटिफिकेशन पैनल और फिर मान लीजिए उसका जो क्लिक्स है वो सारे फीचर्स कैसे ला सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे नॉर्मली मैं बता दूँ पहले कि यहाँ पे आपको रूट की कहीं पर जरूरत नहीं पड़ने वाली है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं अगर जो कोई भी और कोई वीडियोस बनाऊं ऐसी या फिर कोई भी टिप्स ट्रिक वाली वीडियोस बनाऊं तो आपको जो है इन्फॉर्म हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा, उसके बाद जो आप वीडियोस को जल्द से जल्द देख पाएंगे। तो सबसे पहले जो है अपने डिवाइस में दो एप्लीकेशन आपको इंस्टॉल करना है। तो सबसे पहला जो है वो आई लॉन्चर है। तो सबसे पहले आई लॉन्चर को ओपन करते हैं और ये जब आप इनेबल करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से आएगा। तो यहाँ पे आपको डिफ़ॉल्ट लॉन्चर जो है सेट करना पड़ेगा कि यही है। तो आप में जब आप होम बटन को क्लिक करेंगे, आपको सेटिंग में जाना पड़ेगा और सेटिंग में जाने के बाद होम का ऑप्शन रहता है यहाँ पे होम स्क्रीन, तो होम स्क्रीन पे जाइए और डिफ़ॉल्ट लॉन्चर में यहाँ पे आपको आई लॉन्चर सेट करना है। तो मैंने यहाँ पे आई लॉन्चर सेट कर दिया और आई लॉन्चर सेट करने के बाद ये इस तरह से आ जाए। और ये तो चलिए लॉन्चर आ गया, लेकिन यहाँ पर जो है ये ब्लॉब्स जो है वो नहीं आया। तो उसके लिए आपको ये एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है। उसका मैं दिखा दूँ, वो ये XOURT ऐसे कुछ नाम है इसका, XOUT। तो इसे जो है आपको अपने एंड्रॉयड में इंस्टॉल करना है। जब इसे आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे कुछ इस तरह से आएगा और ये जो देख रहे हैं आप यहाँ पे आपको ये आपको इनेबल करना है कि ये जो है दूसरे ऐप के ऊपर ये ड्राव कर सकता है अपना ऐप। तो यहाँ पे आपको उसे अलाउ करना है, जिसे परमिट ड्रॉविंग ओवर अदर एप्स। तो इसको इनेबल कर दें। इनेबल करेंगे फिर बैक करेंगे तो फिर यहाँ पे आपको स्टार्ट पे क्लिक कर देना है। ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बस नॉर्मल है। जब आप यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं ये जो है यहाँ पे इजली तरह से वो बन चुकी है iOS 10 की तरह। तो मतलब इस तरह से जो आप किसी भी एंड्रॉयड फोन में इनेबल कर सकते हैं और ये जो है आपके एंड्रॉयड फोन को काफी यूनिक लुक देगा एक तरह से कहा जाए तो। मतलब आपके एंड्रॉयड में ये बेजलेस स्क्रीन नहीं है, लेकिन ये जो है आपको फील करा देगा एक तरह से, जैसा कि बेजलेस स्क्रीन को छूने के बाद आपको फील होता है कि हाँ वो उसका डिस्प्ले जो है यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, वो आप जो अपने किसी भी एंड्रॉयड फोन में ये फील कर सकते हैं। लेकिन अगर जो आपके पास सैमसंग गैलेक्सी S8 है या S8 प्लस है या फिर LG Q6 है, तो उसका डिस्प्ले जो है एज टू एज है। तो उस कारण से उसमें अगर जो आप ये फीचर इंस्टॉल करेंगे तो उसमें परफेक्ट आईफोन X की तरह लगेगा। और लेकिन अगर जो आप अदर मोबाइल में करेंगे तो वहाँ पर होता है कि ये पहले से इतना बड़ा जो है सब डिवाइस में ये बेजलेस होता है, तो इस कारण से यहाँ पे तो यूनिक नहीं लगता है देखने में। लेकिन हाँ, जैसा कि अभी आप देख रहे हैं ये मैंने जो यहाँ पे इनेबल कर दिया और ये प्योर लुकिंग भी लग रही है। तो मतलब एक तरह से ये भी आपको आईफोन 10 वाला फील जो है एक तरह से दे देता है। और अगली एप्लीकेशन की बात करें तो वो है कंट्रोल सेंटर, जिसे देख सकते हैं ये कंट्रोल सेंटर। इसे आपको क्लिक करना है, इसे आपको अपने डिवाइस में इंस्टॉल करें। उसके बाद जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप उसे नीचे से स्वाइप अप कर पाएंगे। जैसे ये देख सकते हैं ये कंट्रोल वॉल्यूम पैनल स्मूथली वर्क करता है। ऐसा नहीं है कि ये लैग करके वर्क करेगा या फिर धीरे धीरे रुक रुक के, ऐसा कुछ नहीं, ये परफेक्ट वर्क करता है। आप किसी भी फोन में यूज कर सकते हैं। इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो कंट्रोल सेंटर भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं। बस यही है कि आईफोन 10 में यहाँ से स्वाइप अप होता है कंट्रोल सेंटर, लेकिन नहीं, इसमें अगर आपका कोई नॉर्मल एंड्रॉयड है तो वहाँ पर आपको नीचे से स्वाइप करना पड़ेगा, जैसा कि मैं यहाँ पे स्वाइप कर रहा हूँ। तो यही थे वो तीन एप्लीकेशन जिसके थ्रू जो है अपने किसी भी एंड्रॉयड फोन को एक तरह से आप पूरी तरह से जो है आईफोन 10 का लुक दे पाएंगे इस सब एप्लीकेशन को अप्लाई करके।
तो मुझे उम्मीद है कि आप सबको ये वीडियो जो है पसंद आया होगा और इसे जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि वो भी जो है आईफोन एक्स का मजा जो है अपने किसी भी एंड्रॉयड फ़ोन में ले पाए बिल्कुल फ्री बस एक एप्लीकेशन के थ्रू। तो या ऐसे ही और भी वीडियोज़ के लिए चैनल से जुड़े रहें और ऐसे ही आपको वीडियोज़ मिलती रहेगी। तो या थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं ऐसे किसी और वीडियो में, बाय। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए जो आपको यहाँ पे रेड बटन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको बेल आइकन आएगा तो उस पर क्लिक कर लें, उससे जो है कि आपको जब भी मैं कभी वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको जल्द से जल्द नोटिफिकेशन आ जाएगा। और यहाँ पे लाइक बटन पे क्लिक कर दें और यहाँ पे शेयर भी कर सकते हैं अगर जो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है तो।